नए मुरादाबाद में स्वामी अच्युतानंद महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। मुरादाबाद में रविवार को दिल्ली रोड स्थित नए मुरादाबाद में परमहंस श्री स्वामी अच्युतानंद महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया। इसमें बताया गया कि बड़ा मंदिर से आज कलश यात्रा निकाली गई, इसके बाद विधिवत पूजन कर महाकालेश्वर धाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा शुरू की गई। मंदिर में स्वामी अच्युतानंद महाराज ने सावन माह के अधिवास में भागवत कथा का बड़ा महत्व बताया। उन्होंने कथा के प्रथम दिन महत्व का वर्णन किया, कहा कि कथा को सुनने से मनुष्य को पूर्ण कर्म की प्राप्ति होती है, इसको पूरे मनोभाव से सुनना चाहिए। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि 23 जुलाई से 29 जुलाई तक समय 3 बजे से प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए सभी भक्त भारी संख्या में पहुंचे। वहीं कथा में निर्यातक महेश अग्रवाल ने बताया, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा सुना रहे परमहंस श्री स्वामी अच्युतानंद महाराज जी को सुनने के लिए भारी संख्या में भक्तगण पहुंचे। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, गिरीश वर्मा, रेखा वर्मा, ओम प्रकाश अग्रवाल, गौरव श्रीवास्तव, कुलदीप नारायण, सुनीता गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। जल जीवन, जल को पीकर तृप्त होते हैं। आज दिनांक 23/7/2023 से श्री भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर स्वामी बनारस से पधारे स्वामी अच्युतानंद महाराज जी अद्भुत भगवत कृपा कष्ट निवारक महामगन परमहंस स्वामी जी चित्रकूट वाले अपनी मधुर वाणी से 7 दिन तक जो गीता का गुणगान करेंगे। इसमें 23 जुलाई आज दोपहर में 3 बजे से सुबह यात्रा 101 लोटों की निकाली गई। कल सोमवार को राजा परीक्षित का कथा जन की कथा सुनाई जाएगी। 25 जुलाई को ध्रुव चरित्र सुनाया जाएगा। 26 जुलाई को कृष्ण महोत्सव मनाया जाएगा। 27 जुलाई को गोवर्धन लीला और 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। 28 जुलाई को कृष्ण रुक्मणी विवाह महोत्सव होगा। 29 जुलाई को सुदामा चरित्र और श्री राजा परीक्षित का कहानी का अंत सुना करके मोक्ष को प्राप्ति की कथा सुनाई जाएगी। ये जो 23 तारीख से 29 तारीख तक जो गीता का ये यहाँ पर अद्भुत सप्ताह ज्ञान कथा चल रही है, आप सभी लोग आएँ और इस कथा का पूर्ण लाभ उठाएं। ये जो महीना है पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का श्रवण सौ युगों का वरदान देती है। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पर सावन में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत भगवान विष्णु का भागवत पुराण का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर चित्रकूट से पधारे हुए परमहंस स्वामी अच्युतानंद महाराज जी का आज महाकालेश्वर धाम में 7 दिन का प्रवचन शुरू हुआ है। आज यहाँ पर पागबड़े में बड़े मंदिर से आज शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई है और कलश यात्रा के उपरांत अभी कथा शुरू की गई है और ये कथा 7 दिन चलेगी। सभी मेरे महानगर वासियों से निवेदन है कि एक बार महाकालेश्वर धाम मंदिर नया मुरादाबाद में पधारकर महाराज जी के प्रवचनों को सुने और ये पुरुषोत्तम मास में सुनी गई कोई भी धर्मार्थ का ये कार्य 1000 गुना अधिक फलदायक होता है। तो आओ हम सब मिलकर भगवान का भजन करें। केवल 1 घंटे प्रतिदिन
29 तारीख तक महाकालेश्वर धाम नए मुरादाबाद में 3 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक। आज कितने श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग करा? आज बहुत काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। पहला दिन है और चूंकि आज पहले दिन में सभी परिवार के हमारे जन मौजूद हैं, मिर्जा भक्तों से ये अपील करना चाहिए, भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि 23 तारीख से आज शुरू हुई है, 29 तारीख को भागवत सप्ताह का समापन है, 3 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन मंदिर में आए और भागवत कथा का पुण्य लाभ उठाएं।